नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बेस्ड। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी अहमदाबाद के सेकेंड टीवी में कितना नंबर घट सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रुप डी के, ठीक है ना, ग्रुप डी के बारे में हम बात करेंगे कि ग्रुप डी में अहमदाबाद मतलब वेस्टर्न रेलवे में कितने नंबर तक सेकेंड टीवी में कट ऑफ को घटाया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक दोस्तों आप बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो से को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था आरआरसी मुंबई के ऊपर, वहां पे डेटा मैंने गलती से कुछ गड़बड़ किया था, बट इस बार मैंने सुधार किया है। ठीक है, तो पिछली बार आपने जो वीडियो देखा था, अगर आप आरआरसी मुंबई से हैं तो वहां पे आप डेटा को सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, इस बार मैंने डेटा सही से किया है, पिछली बार मैंने कोड में गलत कर दिया था। अब जहां यहां यहां सबसे पहले इस डेटा को समझिए कि डेटा मैंने कैसे तैयार किया है। और ये जो डेटा आप दोस्तों सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, ठीक है ना, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ सबसे पहले मैं पेन एक ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए आरआरसी अहमदाबाद का ये डेटा है। ठीक है, आरआरसी अहमदाबाद का ये डेटा है। ठीक है, पेन काम नहीं कर रहा है, हम देख लेते हैं एक बार, आरआरसी अहमदाबाद का ये डेटा है ना। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कैटेगरी वाइज मैंने दिया हुआ है। कैटेगरी यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा आप, यहाँ पे यू आर कैटेगरी का कोड कितना है, 91 है, ठीक है ना, 91 यू आर कैटेगरी का कोड है। और ओबीसी का कोड कितना है, ओबीसी का कोड है 94। और यहाँ ईडब्ल्यूएस का कोड कितना लिखा है मैंने, ईडब्ल्यूएस का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे 95 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखिए यू आर से कितने क्वालिफाई किए पीईटी के लिए, 923 बच्चे, मतलब 923 बच्चे उन्होंने पीईटी रनिंग क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, ओबीसी में से कितने क्वालिफाई किए हैं, सबसे ज्यादा 10,283 बच्चे। अब सभी को तो जॉब मिला नहीं होगा, ठीक है, यूआर में क्या होते हैं, टॉपर्स होते हैं, तो मैं समझाऊंगा इस डेटा को। वही ईडब्ल्यूएस से देखेंगे तो 2,753 बच्चे हैं, मतलब बहुत ज्यादा यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहाँ से थे अहमदाबाद जोन में। और एससी से देखेंगे तो 2,941, वही एसटी कैटेगरी से देखेंगे तो 1,479 बच्चे। तो यहाँ पे आप कोड को देख लीजिएगा, ठीक है, जो मुझे कोड पता था उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, ये मैंने ऑफिशियल डेटा में से उठाया हुआ है। ठीक है, और ये जो ऑफिशियल रिजल्ट आया था उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, 91 कोड से पता चल जाएगा कि कितने बच्चे यूआर के, कितने बच्चे ईडब्ल्यूएस के, कितने बच्चे ओबीसी के हैं। तो यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पे है, 10,283। जहां पे ज्यादा बच्चे होंगे वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा, मतलब सेकेंड डीवी में वहां पे सबसे कम कट ऑफ घटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ ओबीसी में काफी टफ कंपटीशन है, ओबीसी वाले ही बच्चे जा रहे हैं किसमें, ये बच्चे जा रहे हैं जनरल में उठ के जा रहे हैं। ठीक है ना, ये जो टॉपर्स है ओबीसी में वो चले गए जनरल में, ठीक है, जनरल का सीट ले लिए वो। अब जनरल का सीट अगर 20% घटा दीजिएगा, जो भी वैकेंसी है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो सीसीए को दिया जाएगा उसको घटा दीजिएगा, तो जनरल के पास बचते 3,500 सीट। बट क्या हुआ है कि 900 जो सीट है वो क्या है, सीसीए का भी बचा हुआ है। कितना सीट, 900 सीट अभी सीसीए का क्या हुआ है, बचा हुआ है। 1,200 ही कैंडिडेट उनको मिले थे, 900 सीट अभी भी बचा हुआ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मान लीजिए कि ओबीसी से सीसीए वाले कैंडिडेट ने ज़्यादा सीट ले लिया होगा, ऐसा होता है, मतलब कि वहाँ भी रिजर्वेशन होता है, सीसीए वाले में भी रिजर्वेशन होता है, और उनका कट ऑफ है कैटेगरी वाइज कम ज़्यादा जाता है। ठीक है ना, इसलिए आप देख रहे होंगे कि ओबीसी का काफ़ी सारा सीट सीसीए वालों ने ले लिया, तो यही कारण है कि उनका भी मतलब रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3,500 मिनिमम मान लिया मैंने, 3,500 बच्चे तो कम से कम यूआर से इन्होंने उठाया होगा, और यहाँ ओबीसी से कितने बच्चे उठाए हैं, 2,400 बच्चे उठाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो दोस्तों देखेंगे तो ये 3,500 कौन है, वो टॉपर है। ठीक है, तो ये 3,500 टॉपर में से पूरे के पूरे 923 बच्चे यूआर से नहीं गए। अब यहाँ पे देखिए डीबी का जो लिस्ट है वो नहीं इन्होंने जारी किया अभी तक है, सीधा यहाँ पैनल आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है कि डीबी में कौन से कैटेगरी से कितने बच्चे उठाए गए हैं, जैसा कि आरआरसी मुंबई में था, मुंबई का डीबी का लिस्ट आया हुआ था तो वहां से पता चल जा रहा था, बट यहाँ नहीं पता चला है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 50% बच्चे मान ले, तो मान लीजिए कि 50% बच्चे, लगभग 500 बच्चे यहाँ पे, 500 बच्चों को इन्होंने क्या किया होगा, यूआर कैटेगरी से 500 बच्चों को ले लिया होगा। ठीक है ना, यूआर कैटेगरी से 500 बच्चों को ले लिए, तो बच गए कितने बच्चे, 400 बच्चे अभी भी वेटिंग में है यूआर कैटेगरी के। मैंने मान लिया अप्रोक्सीमेट है कि 500 बच्चों को लिया, तो बचे कितने, बच गए यहाँ कितने, 400 बच्चे बच गए लगभग। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ ओबीसी का कितना है, 10,283,
बट 10,283 कुछ बच्चे यूआर में गए, कुछ बच्चे ओबीसी में गए, क्योंकि ओबीसी में 2400 वैकेंसी है, तो ये 2400 बच्चों को तो जॉब मिल गया। 10,283 में से 2400 बच्चों को जॉब मिल गया, प्लस में 3500 बच्चों को जॉब मिल गया, मतलब यहाँ कितने बच्चे हो गए, लगभग 6000 बच्चे हो गए, 6000 बच्चे हो गए, ठीक है ना। 6000 में से मान लेते हैं कि 6000 बच्चों को जॉब मिल गया, ठीक है, 6000 बच्चों को जॉब मिल गया। अब यहाँ 6000 में से 2400 बच्चे कहाँ किसके थे, 2400 बच्चे तो ओबीसी कैटेगरी के थे, तो 2400 यहाँ घटाइएगा तो 3600 बचेगा, ठीक है। अब 3600 में से 500 कौन से बच्चे हैं, 500 बच्चे जो हैं वो किस कैटेगरी के हैं, यूआर कैटेगरी के। मैंने मान लिया कि 500 जो टॉपर्स होंगे वो यूआर के होंगे, बाकी जो 3000 टॉपर्स होंगे वो अदर कैटेगरी के होंगे, जिसमें ओबीसी के सबसे ज़्यादा मान लीजिए 2800 ओबीसी के बच्चे हैं, और 2800 या 2800 ओबीसी के बच्चे हैं, और जो 300 बच्चे बच गए वो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो गए, ठीक है ना। तो 300 बच्चे यहाँ से निकल गए, तो 3600 मान लीजिए कि यूआर में से सीट ले ले जाते हैं, 3500 3600 3600 भी मान सकते हैं, क्योंकि सीसीए का बहुत सीट खाली है, तो वो सीट कहीं ना कहीं यूआर को मिला होगा या बाकी कैटेगरी में मिल गया होगा, कैटेगरी वाइज वो भी डेटा हमारे पास है नहीं है, हम केवल अनुमान पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे ने अभी तक यहाँ पे डब्ल्यू आर होगा, ठीक है ना, यहाँ पे डब्ल्यू आर होगा, ये सुधार लीजिएगा, मैंने सी आर लिखा है, उसी डेटा को मैंने सुधारा है, उसी एक्सेल शीट में मैंने सुधारा है, इसलिए आप लोग को यहाँ मेरे से गलती हो गया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने समझाया कि 3600 यूआर कैंडिडेट को जॉब मिल गया, जिसमें से ओबीसी वाले मान लीजिए कि 2800 से 3000 के बीच में होंगे, जो टॉपर्स का मतलब जिनको जॉब मिला है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और 2400 यहाँ पे ले लिए, मतलब मान लीजिए कि लगभग 5500 ओबीसी, 5500 या 5000, 5500 जो मानिए, 5500 मैं मान लेता हूँ कि 5500 ओबीसी को क्या मिल गया, जॉब मिल गया। कहाँ से जॉब मिल गया, 5500 ओबीसी को लगभग कहाँ से जॉब मिल गया, यूआरए से जॉब मिल गया, और ओबीसी अपने कैटेगरी से जॉब मिल गया, तो ये 5500 ओबीसी निकल गए, और यहाँ पे अभी भी कितने ओबीसी बच गए, लगभग 4500 ओबीसी अभी भी बचे हुए हैं वेटिंग में। तो यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा कंपटीशन है, क्यों ज्यादा कंपटीशन है इसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे कि जनरल और जनरल का कट ऑफ कितना गया था शुरुआत में, 62 पॉइंट में 67 कट ऑफ गया था, ठीक है ना, ये कट ऑफ गया था 62 पॉइंट में 67, तो वहां से लगभग आप दोस्तों देखेंगे कि ये कितना हो गया, 67.22, और वही जनरल और ओबीसी के जो कट ऑफ का गैप है वो कितना है, 2.84 गैप है, ठीक है, 2.84 गैप है, थोड़ा मैं इसे मिटा देता हूँ, कितना गैप है, 2.84 गैप है, यही पे सारा खेला छिपा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2.84 के बीच में कितने बच्चे आते हैं, तो 2400 बच्चे आते हैं ओबीसी वाले, 2400 बच्चे आते हैं ओबीसी वाले जिनको पहले से ही जॉब मिल गया है, ठीक है। जो टॉपर्स थे ओबीसी वाले उनको तो यूआर कैटेगरी से जॉब मिल गया, और जो इससे कट ऑफ से नीचे है, मतलब जो ओबीसी के कट ऑफ से नीचे है, वो बाकी कितने बच्चे हैं, वो बाकी 4500 बच्चे हैं जिनको अभी वेटिंग में रखा गया है, ठीक है। क्योंकि ओबीसी वो कैटेगरी वाले जनरल से भी जॉब ले चुके हैं और अपने कैटेगरी से भी जॉब ले चुके हैं, ठीक है ना, 2400 बच्चे लगभग होंगे। ये डिपेंड करता है कि सीसीए वाले कितने बच्चे यहाँ से मिले, तो 1200 है, उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो ओबीसी को मिल गया होगा अपना, ठीक है ना, क्योंकि सीसीए के बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ से नहीं मिले हैं। तो 4500 बच्चे जो होंगे लगभग अभी ओबीसी कैटेगरी में वेटिंग है, वही यूआर में कितने वेटिंग में है, केवल 400 बच्चे। अब यही आप अनुमान लगाइए कि कहाँ पे कट ऑफ ज्यादा ज्यादा घटेगा, तो यूआर में क्या होंगे, बच्चे जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि जो टॉपर्स होंगे, यूआर का सीट खाली जाना ही जाना है, क्यों खाली जाना है, क्योंकि जो टॉपर्स होंगे उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, तो वो डीवी में एबसेंट करेंगे, बाद में हो सकता है कि मेडिकल में हो सकता है फेल करे, तो वो बात अलग है, पर डीवी में जो ज्यादा बच्चे एबसेंट करेंगे या जॉब को छोड़ के जाएंगे वो टॉपर्स ही जाएंगे, ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब वो टॉपर्स कहाँ से मिलेंगे, या तो ओबीसी से मिलेंगे या फिर यूआर से मिलेंगे, तो ज्यादातर सीट कहाँ खाली होगा, यूआर ओबीसी में, बट यूआर में जो बच गए यूआर 400 है उनको ज्यादा फायदा इसलिए होगा क्योंकि वो प्योरली यूआर के कैंडिडेट है, और वो कैंडिडेट किसके बीच में है, 67.22 और 64.38 के बीच में है, ठीक है। अब यूआर के कैंडिडेट 62.67 वाले भी है 400 के अंदर में, तो जो इस कट ऑफ के बीच में, मतलब 2.84 कट ऑफ के बीच में, मतलब इतने जो ओबीसी और यूआर के गैप के बीच में जो कैंडिडेट है उनको तो जल्दी जॉब मिल जाएगा। मान लीजिए कि उनके बीच में मुझे, मैं मान लेता हूँ कि 2.5 नंबर होगा गैप, 2.5 वाले जो बच्चे होंगे
वो होंगी 50%, मतलब 200 बच्चे होंगे। तो अगर यूआर में 200-250 सीट खाली हो जाता है तो इनका तो चांस बन जाएगा। मतलब यूआर में मुझे जहां तक लगता है, अब मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे कितना कटअप कम जाएगा, इससे एक आइडिया मिल गया होगा। जो भी कुछ मैंने आप लोग को बताया, इससे ये आइडिया मिल गया होगा कि कटअप कहाँ पे कितना घटेगा और कहाँ किन कैंडिडेट को अभी ज्यादा फायदा होने वाला है सेकेंड डीवी में, ठीक है ना। सब चीज को मैं मिटा देता हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, जो बच्चे यूआर और ओबीसी के फाइनल कट ऑफ के बीच में अभी लाइक कर रहे हैं उनका सबसे ज्यादा चांस है। और यहाँ पे यूआर में सेकेंड डीवी में लगभग 1.5 नंबर मिनिमम घटना चाहिए, 1.5 नंबर या 2 नंबर भी घट सकता है, 1.5 से 2 नंबर घट सकता है। और इससे नीचे वाले जो बच्चे जैसे 1 नंबर या 0.8 0.7 उनका तो पक्का हो जाएगा। ये मैंने बताया कि 1.5 तक का पक्का हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि 2 नंबर वाले का भी हो जाए, क्योंकि ये 2.84 में जो बच्चे थे, मतलब इस रेंज में यूआर ओबीसी के रेंज में जो बच्चे थे उनको जॉब मिल गया होगा। अब यहाँ से घटाएं तो लगभग 1.7 के आसपास, 1.8 मान लीजिए, 1.8 के आसपास अभी जो बच्चे होंगे उनको वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यूआर का कट ऑफ कहाँ से काउंट किया गया है, 62.67, इसमें भी कुछ बच्चे होंगे तो वो मान लेते हैं कि 50% बच्चे होंगे, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ इंक्रीज किया है वो इतना इंक्रीज किया है, 4 पॉइंट में 5.4 के आसपास है आपका कट ऑफ इंक्रीज किया है, ठीक है ना। तो मतलब समझ में ये आ रहा होगा आपको कि 50% ऐसे बच्चे होंगे जो कि 2 नंबर कम होंगे कट ऑफ से। जैसे 67 कट ऑफ गया है तो यूआर में काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका 65 ही आया होगा, तो 65 आया मतलब 2 नंबर कम है उनका, मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। अगर एक साथ बच्चों का डीवी निकालते हैं तो मान लीजिए 1000 सीट खाली हुआ, अब 1000 बच्चों को एक साथ बुलाएंगे तो पक्का 2 नंबर कम हो जाएगा, थर्ड डीवी तक नहीं जाना होगा। अब 1000 सीट खाली हुआ, बुलाते हैं 200 बच्चों को तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तब आपको 3-4 डीवी तक रुकना होगा। क्योंकि लास्ट ईयर का जो डेटा कह रहा है यहाँ पे अहमदाबाद का, वहां पे 573 बच्चों को उन्होंने लिया था। तो ये यूआर का कटअप कितना कम हुआ था, कि यूआर का कटअप हुआ था कम, मैं बता देता हूँ यूआर का कटअप कितना कम हुआ था, 2.4 के आसपास, 2.4 कटअप है कम हुआ था 573 बच्चों को जब लिया था, और ये कब लिए थे, फोर्थ डीवी में जाके, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर स्लो प्रोसेस चलाएंगे तो आपको तीसरा चौथा डीवी तक रुकना होगा। अगर जितना भी सीट खाली होता है, मान लीजिए 1000 सीट मैंने बोला खाली होता है, 1000 बच्चों को बुला लेते हैं तो यहाँ कट ऑफ है, तो यहाँ कट ऑफ क्या होगा, ज्यादा घटने का उम्मीद है, ठीक है ना। जैसे एनटीपीसी में किया जा रहा है कि जितने सीट खाली हो रहे हैं उतने ही बच्चों को बुलाया जा रहा है, वहां पे पार्ट बाय पार्ट बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है, एक साथ बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा कुछ देर बाद। यहाँ पे मैंने बता दिया कि यूआर में 2 नंबर 2.5 नंबर भी कम हो सकता है, ठीक है ना। अगर डिपेंड करता है कि वो कैसे बुलाते हैं, ठीक है। उम्मीद तो है कि एक साथ ही बुलाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदा हो जाएगा, सेकेंड डीवी में आपका नाम आ सकता है, ठीक है। तो 400 बच्चे यूआर में अभी भी खाली है। अब बात करते हैं, हम बात करने से पहले हम देख लेते हैं डेटा को, ठीक है। तो मेरे पास डेटा भी है, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा सब सेव किया हुआ है, यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे चलिए 11 डीबी, ये तो डीबी वाला लिस्ट खोल दिया मैंने, ये डीबी वाला लिस्ट है। यहाँ पे कैसे कैसे डीबी हुआ था वो मैं बता दूंगा बाद में। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे अहमदाबाद का, यहाँ पे ये वाला डेटा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा अहमदाबाद का, लगता है कि मैंने खोल दिया है, यहाँ पे स्लो हो गया थोड़ा सा सिस्टम, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा इस डेटा को, देखिएगा लास्ट ईयर देखिए, तो यहाँ पे कट ऑफ कितना था, 76.92, और बाद में चौथे डीबी में कितना हो गया, 74.51, लगभग कितना घट गया, 2.4 नंबर का कमी हो गया। बट वही ओबीसी में आप देख रहे हैं, ओबीसी में क्या है, ओबीसी में 73 और फोर डीबी में कितना हो गया, 72.95, कितना घटा, कितना घटा आप देख लीजिए, यहाँ पे घटा 16 और 5 21, 2.1। यहाँ ओबीसी में कितना घटा, केवल 2.1 घटा, बट यूआर में कितना घटा इसके रिस्पेक्ट में, 2.4 घटा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ओबीसी में सबसे टफ कंपटीशन होता है अगर आपने ओबीसी से क्वालिफाई नहीं किया है।
वहाँ बहुत स्लो नंबर कटेगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने आपको पीडीएफ में जो डेटा तैयार किया वहीं पे मैंने बता दिया कि केवल 2.84 मतलब 3 नंबर के बीच में 2400 ओबीसी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। केवल यूआर और ओबीसी की गैप में 2400 ओबीसी बच्चे सेलेक्टेड है। मतलब देख सकते हैं कितना अच्छा कंपटीशन है ओबीसी कैंडिडेट के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि बाकी कैटेगरी का, जैसे एससी कैटेगरी का देखिएगा, एससी कैटेगरी का 66.66 नंबर है, वही फोर्थ डीबी में आप देखेंगे 65.41 हो गया। तो यहाँ भी बहुत कम घटा है क्योंकि एससी कैटेगरी से भी बच्चे कहाँ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस मतलब यूआर में जाते हैं, वो भी अनरिजर्व में जाते हैं। तो यहाँ भी कंपटीशन क्या है, बहुत टफ है। यहाँ भी कंपटीशन आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। मतलब केवल 0.6 नंबर घटा है और वही यूआर का 2.4 नंबर घट गया। एसटी का देखिएगा, एसटी का यहाँ देखिएगा कितना है, 64.88 और यहाँ 64.53, मतलब केवल कितना घटा है, 0.35 नंबर घटा है एसटी कैटेगरी का, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कितना कम घट रहा है, बट हो सकता है ईडब्ल्यूएस में आपको ज्यादा घटते दिखे क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बच्चों का गैप बहुत ज्यादा है। बट मुझे नहीं लगता है कि वेस्टर्न मुंबई में बहुत ज्यादा घटेगा। अगर यूआर का 2.5 नंबर घटेगा तो मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस का 1 नंबर घटना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे तो जॉब ले चुके हैं और यूआर में जो ईडब्ल्यूएस के काबिल बच्चे थे, जो 30 बच्चे थे, वो यूआर में जा चुके हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि उनको उनके कैटेगरी में सीट खाली होना जरूरी है, तभी वो वहाँ पे जॉब ले पाएंगे। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ने कम नंबर लाया है, मतलब जो भी बच्चे हैं वो छोड़ के नहीं जाएंगे। अब जिनका 58 नंबर आया हुआ है तो वो बच्चे क्यों छोड़ के जाएंगे, उनका बहुत कम चांस है कि कहीं और भी एग्जाम निकला होगा, क्योंकि यहाँ पे ही इनका कम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपर्स जो है अब यहाँ पे नहीं बचे हैं, टॉपर्स किस में बचते हैं, यूआर में बचते हैं। और टॉपर्स ही क्या करेंगे, जॉब को छोड़ के जाएंगे, वो ट्रैक मेंटेनर क्यों बनेंगे, अगर उनको ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट मिलेगा टॉपर्स को तो वो नहीं बनेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, जैसे एसएससी में जाएंगे। और यहाँ पे कितनी ईयर का गैप है, यहाँ पे 4 साल का गैप है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 साल का गैप है। निश्चित रूप से 4 साल में बहुत जो यूआर है ओबीसी के बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं सेटल होंगे। तो जो भी आपको सबसे ज्यादा सीट वैकेंट होते हुए दिखेगा ओबीसी और यूआर में ही सीट वैकेंट होता हुआ दिखेगा, और बाकी सब कैटेगरी में जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, यहाँ पे सभी यूट्यूब चैनल वाले बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटअप घटेगा। मैं सच बात बोलूँगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटअप आपको घटते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे टॉपर्स है ही नहीं। यहाँ पे जिनको जॉब मिल गया है वो अपने जॉब से खुश रहने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बच्चे जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे, जो भी बच्चे छोड़ के जाएंगे यूआर से और ओबीसी से। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितना नंबर घट सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं बता दूँ यूआर का सेकेंड डीबी में अगर एक साथ बुलाते हैं तो 2.5 नंबर तक भी घट सकता है, 2.5 या 1.5 मैंने शुरुआत में बोला था, इतना तो घटेगा, 1.5 नंबर से लेके 2 नंबर तक आराम से घटेगा, 2.5 नंबर तक भी घटने का चांस है। क्योंकि मैंने बताया केवल 573 बच्चे लास्ट ईयर मिले थे तो 2.4 नंबर घटा था, ये ऑफिशियल डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ओबीसी का जो घटने का उम्मीद है, मेरे हिसाब से 0.8 नंबर तक घट सकता है, ठीक है। अगर 0.8 से 1 नंबर के बीच में है तो आपको चांस बनता है 0.8 वाले को पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 नंबर वाले का हो सकता है कि सेकंड डीबी तक हो जाए, ओबीसी में बहुत मुश्किल से नंबर घटेगा। एससी कैटेगरी में मुझे जहां तक लगता है यहां भी 0.6 के आसपास घटेगा, और एसटी कैटेगरी में भी आपको 0.4 के आसपास घटते हुए दिखेगा। ईडब्ल्यूएस में मेरा अनुमान है कि मैक्सिमम 1 नंबर तक घटेगा, मैक्सिमम 1 नंबर तक घटेगा, उससे ज्यादा नहीं घटने का उम्मीद है मेरे हिसाब से। तो आप लोग को ये अनुमान लग गया होगा कि सेकेंड डीबी में क्या होने वाला है, ठीक है। जिस तरह से मिशन मोड में काम चल रहा है, अगर मिशन मोड में भी सेकेंड डीबी कराया जाए तो ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर स्लो प्रोसेस में कराया जाएगा तो वही पिछले साल जैसा, जैसे शुरुआत में देखेंगे यहाँ पे, शुरुआत में जनरल ओबीसी में कितना घटा था, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। यहाँ पे देखिए, अगर स्लो प्रोसेस चलेगा तो जनरल का मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे केवल 169 बच्चों को बुलाया गया था शायद, और यहाँ पे कितना घटा, 169 बच्चों के लिए 0.6 नंबर, तो बच्चे कम है तो कम घटेगा। उसके बाद यहाँ पे कितने, 75.35 हो गया, लगभग 1.6 नंबर घटा। और यहाँ पे कितने बच्चों को बुलाया गया था, यहाँ पे बुलाया गया था 235 बच्चों को। अब 235 बच्चों को बुलाया गया तो 1.6 नंबर रियल कटअप से घट गया, मतलब 235 प्लस में 169, मतलब कितने हो गए, लगभग कुछ 400 बच्चे होंगे। और यहाँ पे अगर देखें
यहाँ पे 4th GB में कितना घट गया, 2.4 नंबर। तो यहाँ पे कितने बच्चे कंप्लीट हो गए, 573 बच्चे। 573 बच्चे में लगभग कितना हो गया, 2.4 नंबर। तो 573 सीट खाली हुआ था, मतलब ओवरऑल ये 573 केवल यूआर का नहीं बताया, बताया मैंने ये 573 सारे कैटेगरी का मैंने बताया, ये 235 मैंने सारे कैटेगरी का बताया। तो इसमें मान लीजिए कि यूआर के 300 बच्चे होंगे, क्योंकि जो भी बच्चे ज़्यादातर होते हैं ये यूआर के होते हैं। और ये ऑफिशियल डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये कुछ भी मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है यहाँ पे। पहले मैं इन सबको मिटा लेता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट मैं समझाने का पूरा कोशिश करूंगा आपको, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद है, क्योंकि मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है। और मैं बहुत कम वीडियो आजकल बनाता हूँ रेलवे के टॉपिक पे, और जो भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ सॉलिड बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मेरे से पिछली बार मुझे कोड सही से नहीं पता था कि ओबीसी का कोड क्या है, जिसके कारण मैंने डेटा को गलत कर दिया था, ठीक है। बट उसको डेटा को आप सुधार लीजिएगा, 9-4 जो कोड है वो ओबीसी का कोड है, तो वो ओबीसी के रिस्पेक्ट में आप देखिएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए सेकेंड डीवी यहाँ पे है, तो ये तो था पेंडिंग वाले कैंडिडेट है, 805 बच्चे, तो इनसे हमें मतलब नहीं है, पेंडिंग में कुछ बच्चे जाते ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 DB यहाँ पे देखिए, 4 DB यहाँ पे है, तो यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है कि कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो लास्ट ईयर कोरोना का भी सिचुएशन था, बट जो 4 DB था वो कोरोना से पहले कंप्लीट कराया गया था, 31 अक्टूबर 2010 से। अगर ऐसा स्लो प्रोसेस चलेगा तो अभी मान लीजिए कि 5 से 6 महीना का टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम भी मैं बता दूं कि 5 से 6 महीना का टाइम लगेगा, क्योंकि अप्रैल में ये हुआ था, अप्रैल में क्या हुआ था, फिजिकल हुआ था, और 8/5/2019 को पहला डीबी आया था। और जो दूसरा डीबी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, डेट भी लिखा होगा कि कब बुलाया गया था, सारा कुछ लिखा गया है यहाँ पे। तो देखिए ये पैनल जो आया था 26/6/2019 को आ गया था, मतलब 7वें महीने में, 3 महीना यहाँ लगा। और उसके बाद यहाँ पे चौथा डीबी जो दूसरा डीबी हुआ, मतलब यहाँ दूसरा डीबी हुआ था इस पे 800, मतलब पूरा जो 4800 बच्चों को सिलेक्शन लेने के बाद सेकेंड स्टेज का दूसरा डीबी हुआ, 169 बच्चों को लिया गया जिसमें सारे कैटेगरी शामिल थे। उसके बाद थर्ड स्टेज का जी डीबी हुआ, उसमें 235 बच्चों को बुलाया गया। और यहाँ पे देखिएगा 3 महीने में, मतलब जो पैनल आने के बाद हर महीने डीबी हुआ था, तो 169 बच्चों को अंतिम में बुलाया गया था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चे दिख रहे हैं यूआर के, जैसा कि मैंने बताया कि टॉपर्स ही जॉब छोड़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको बच्चे दिखेंगे कहाँ पे, यूआर के दिखेंगे। यहाँ पे जो वैकेंसी खाली होगा, जैसे यूआर के बच्चे जॉब छोड़ेंगे तो वो सीट यूआर को मिलेगा, बाकी कैटेगरी को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब रिजर्वेशन का खेल खत्म हो चुका है। आप केवल अपने कैटेगरी से जॉब ले सकते हैं, अगर आप टॉपर्स होते तो यूआर से जॉब ले सकते थे, बट अब टॉपर्स नहीं बचे, क्योंकि वो यूआर की कट ऑफ से आप पहले से ही नीचे हैं, तभी अपने कैटेगरी से भी आप पास नहीं किए हैं, तो आप टॉपर्स नहीं है अब, तो आप अपने कैटेगरी से ही अब जॉब ले सकते हैं। अब रिजर्वेशन का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अब रिजर्वेशन का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो यही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बातें यहाँ पे समझ में आई होगी, और जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो बहुत जल्द आपको पैनल भी आ जाता है, पैनल में भी टाइम नहीं लगता है, जैसे ये 4th स्टेज का डीबी का पैनल है, 31/10/2019। और डीबी कब हुआ है ये भी मैं आपको दिखा दूँ, सितंबर में डीबी हुआ है, 16-17 सितंबर को चौथा डीबी हुआ है, और सितंबर एक महीने के बाद लगभग 40 से 50 दिन के बाद है आपका ये पैनल भी आ गया। देखिए यहाँ पैनल नीचे दिया हुआ है, पूरा 169 कैंडिडेट का दिया है, जिसमें से केवल 137 से कैंडिडेट आए, उसमें भी बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है, मौका बहुत मिलने वाला भी आपको, और डीबी में भी बच्चे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को निराश नहीं होना है, वीडियो आप लोग को वीडियो में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ मैंने नहीं बताया, यहाँ पे देखिए ये टोटल वैकेंसी मैंने ऐड किया है, तो ये 9000 इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसे आप ये जो भी मैंने निकाला है ये अनुमानित निकाला है, क्योंकि अहमदाबाद का कुछ लिस्ट ही नहीं आया हुआ है जो डीबी में जो कैंडिडेट को बुलाया हुआ है, सीधा एडमिट कार्ड आ गया है। तो ये चीज़ आप अभी क्लियर नहीं है कि कितने कैंडिडेट नॉन PWD वाले हैं जो जिन्हें डीबी के लिए कॉल किया गया है, ठीक है ना। तो वीडियो में काफ़ी कुछ मैंने समझाने का आपको कोशिश किया दोस्तों। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और भी किसी टॉपिक पर चाहिए होगा वीडियो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।